दोस्तों कैसे हैं आप आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया है दोस्तों जाइए ना इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना पैसा थोड़ी लगता है इस काम का तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यू के में जो इंटरनेशनल स्टडी करने जा रहे हैं उनके लिए एक थोड़ी डिप्रेसिंग खबर है यू देखिए हर कंट्री अपने बेनिफिट्स अपने क्या बोलते हैं अपने हित को सबसे सर्वोपरि रखता है उसमें कोई डाउट नहीं है तो उन्होंने एक स्टूडेंट वीज़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मेजर चेंज किया है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए जा रहे हैं यूके तो स्टार्टिंग जैन 2024 से यह अभी लागू नहीं हुआ है अगले साल लागू होगा अगर आप नन रिसर्च स्टडी में जा रहे हैं रिसर्च वाले इस इस दायरे से बाहर हैं अगर आप नन रिसर्च में जा रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स जैसे अपने पार्टनर बच्चों को नहीं ला सकते पार्टनर एंड चिल्ड्रेन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में आप नहीं ला सकते तो इसका इम्पैक्ट तो सिग्निफिकेंट होगा जहाँ तक मेरा मानना है ऑफकोर्स मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ ना ही मैं कोई गवर्नमेंट बॉडी हूँ कि मैं डेटा एनालाइज़ करूँ बट एक आम आदमी के व्यू से ये डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि आ, अगर आप मैरिड हैं या आप परिवार वाले हैं आपके बच्चे हैं और आपको स्टडी करनी है तो ऐसे में आप चाहोगे कि वो भी आपके साथ जाएं स्पेशली जब आप यूके के जैसी कंट्री में जा रहे हो तो अगर आप रिसर्च वाली स्टडी में जा रहे हो तो ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नन रिसर्च में जा रहे हो तो दिक्कत है ना तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट दूसरे कंट्रीज़ में पड़ेगा कहने का मतलब ये है कि ये स्टूडेंट्स जो इस दायरे में आते हैं शायद वो अब दूसरे ऑप्शन जैसे कैनेडा ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर इस तरह के रूल्स एज ऑफ नाव तो नहीं बने हैं कल तो किसी ने नहीं देखा है भाई तो उधर इनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बाकी ये कैसे आगे की तरफ बढ़ता है ये तो समय के साथ पता चलेगा तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू